अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कि इसरी की प्लेट अगर जल जाए इस तरह से, तो उसको आप बग़ैर कोई भी चीज़ यूज़ किए हुए किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। और बिल्कुल 2 से 3 मिनट में ये इसरी साफ़ हो जाएगी। लेकिन मैंने इससे पहले इस पर मुख्तलिफ ट्रिक्स अप्लाई की है। ये इसरी इस तरह से जल गई थी, तो मैंने इसको गर्म करके लीमू और नमक के साथ इसको साफ़ करने की कोशिश की, जिससे दाग और ज़्यादा फैल गया। नीचे से तो ये कुछ हद तक साफ़ हुआ, लेकिन जो मेन उसका पार्ट था वो उसी जगह कायम रहा। उसके बाद मैंने इसे गीले कपड़े पे रगड़ा तो काफ़ी ज़्यादा मैल तो उतर गया, लेकिन जले का निशान अभी भी वैसे का वैसा ही था इस पर। इसके बाद मैंने मज़ीद चीज़ें इस पर ट्राई की, इस पर डिस्प्रिन की गोली के साथ इसको साफ़ किया, और मैंने इस पर टूथपेस्ट अप्लाई किया, कटे हुए आलू के साथ इसको रब किया कि ये हो जाए। लेकिन ये निशान चूँकि काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुआ। इस पर काफ़ी स्क्रैचेस भी आ चुके हैं और ये निशान भी वैसे का वैसा ही है। अब मैं इस पर एक देसी ट्रिक अप्लाई करूँगी। मैंने इसको पहले गर्म किया है, और उसके बाद ये मिट्टी है, ज़मीन कच्ची मिट्टी जहाँ होती है गार्डन वगैरह में, उस पर नरम सी जगह आपने देख लेनी है जहाँ पर नरम मिट्टी, उसके ऊपर इस तरह से मैंने इसको घिसा है। ये देखिए 2 से 3 मिनट में ये क्लीन हो जाती है। 1 मिनट के बाद ये देखिए निशान जो है ये 50% तक तो गायब हो चुका है। मिट्टी को अच्छे से चेक कर लेना है कि इसके अंदर स्टोन ना हो, कि इसके ऊपर से स्क्रैचेस ना लगें, और इसको लेफ़्ट टू राइट अप टू डाउन इस तरह से घिसाएं। थोड़ा सा ही रगड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये निशान साफ़ हो रहा है, और फिर इसी तरह मुख्तलिफ डायरेक्शन में इसको आप रब करते रहें। कोई भी आपको इसके ऊपर क्लीनिंग एजेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तमाम क्लीनिंग एजेंट्स इसके ऊपर अप्लाई किए हैं, लेकिन ये निशान नहीं उठ रहा था। तो यहाँ पे जब मैंने ये ट्रिक आजमाया तो मैंने आपको दिखाया है कि 50% तक तो उतर गया है। अब मैं दोबारा इसको इसी तरह से घिसा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको दोबारा से दिखाऊँगी कि ये किस हद तक क्लीन हो गया है, और हमें कोई चीज़ भी इस पर अप्लाई नहीं करनी पड़ी। ये देखिए जस्ट 2 से 3% निशान जो है ये बाकी रह गया है, और जो इसको जस्ट मिट्टी के ऊपर सादा मिट्टी पे रगड़ने से ये निशान आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन ख़त्म हो गया है। इसको बाद में मैंने गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया है। अगर निशान बड़ा हो तो आप दोबारा दरमियान में गर्म करके इस तरह से घिसा लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें।